तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकॉक बबल्स। कैसे हो आप सब लोग? मैं हूं आपका दोस्त हर्ष। तो गाइस, अभी मैं फिलहाल हूं थाईलैंड की कैपिटल सिटी बैंकॉक के अंदर, एंड आज मैं आपसे मिलाने वाला हूं हमारे इंडिया के बहुत ही फेमस यूट्यूबर जो अभी बहुत ही फास्ट ग्रोइंग में है, जिसका नाम है प्रतीक जैन ब्लॉग्स। तो चलो मैं आपसे मिलाता हूं और उनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि अभी बैंकॉक के अंदर उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो सारी बात डिस्कस करते हैं प्रतीक भाई से। तो ये है हमारे प्रतीक भाई। तो प्रतीक भाई, क्या बताना चाहोगे व्यूअर से? बस आज चौथा दिन है और बैंकॉक को अलविदा कहने का भी दिन है। आज मैं भी जा रहा हूँ फुकेट, और बैंकॉक काफ़ी घूमा और देखा, परका जाना, और अर्श भाई तो हमारे लोकल ही है बैंकॉक में, तो इनके सहारे भी काफ़ी चीज़ें ऐसे देखने मिली कि काफ़ी मज़ा आ गया। जैसे कि आइकन सियाम मॉल हो गया उस दिन, तो काफ़ी कुछ अच्छा भी लगा। और यहाँ की नाइट लाइफ तो फेमस ही, आप सभी को पता है, क्या ही बताऊँ। खाउसान रोड हो गया, या फिर यहाँ की कुछ गलियाँ जो कि अडल्ट्री के लिए फेमस है, लेकिन अडल्ट्री मैं प्रमोट नहीं करता और ना ये करते होंगे बिल्कुल, ना मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसमें इंक्लूड हो, क्योंकि जहाँ अडल्ट्री होती है वहाँ होते हैं स्कैम्स। जी बिल्कुल, तो मैं तो यही चाहूंगा कि हमारे इंडियन भाई या फिर कोई भी हमारे व्यूअर्स है तो स्कैम से बचे। अडल्ट्री प्लेस में अगर जाओ तो सिर्फ वॉच के लिए जाओ, मतलब देखने जाओ, एक बार यू नो एक क्या बोलते हैं वॉकिंग टूर, वॉकिंग टूर के हिसाब से जाओ, ताकि कि आप भी देख पाओ, आप भी समझ पाओ, आप भी ये महसूस कर पाओ कि ये चीज होती क्या है और क्या क्या होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नॉलेज के लिए आपको एक्सप्लोर करना जरूरी है। बस बैंकॉक बेसिकली ये सब चीजों के लिए फेमस है, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि बैंकॉक या फिर थाईलैंड कह लो काफी अच्छा है अदर एस्पेक्ट्स पे भी। फॉर एग्जाम्पल, हम इंडियंस के लिए अगर फॉरेन जाना है तो कम बजट में और इजी वीजा, जिसमें वीजा में इतनी माथापोड़ी हाथ पैर नहीं मारने हैं, थाईलैंड ही बेस्ट ऑप्शन है। राइट आपके पास बस पासपोर्ट होना चाहिए, दैट्स इट, फिर आप इजीली सब कुछ कर सकते हो टू कम टू थाईलैंड। जी, ये बहुत अच्छी चीज है। तो प्रतीक भाई, सबसे पहले ये बताओ कि आप कौन से वीजा पे आए यहाँ पे? मैं आया 15 डेज का टूरिस्ट वीजा, जो ऑन अराइवल वीजा। ऑन अराइवल वीजा, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था ऑन अराइवल वीजा का? ऑन अराइवल वीजा का एक्सपीरियंस ऐसा है, इनफैक्ट मैंने आज ही फर्स्ट वीडियो डाला है, तो उसमें भी मैंने ये चीज डिस्कस करी है कि वीजा ऑन अराइवल इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन पंगा ये होता है ना कि वहाँ पे भी छोटा सा है ना पैसे ऐंठने की कोशिश होती है, लेकिन वो आप पर है क्या आप वो पैसा खर्च करते हो कि नहीं। कैसा रहता है कि 2000 बाट वीजा ऑन अराइवल फी है। तो अभी उसमें दो लाइन रहती है, एक प्रायोरिटी और एक नॉर्मल सी। जी वो लोग आपके डॉक्यूमेंट चेक करके बोलते हैं 2200, फिर आप बोलोगे क्यों भाई 2000 ही है, 200 के एक्स्ट्रा दे। जी तो बोलते हैं अच्छा ऐसा है तो जाओ वो लाइन में, बोले ऐसे भी बोला हाँ ठीक है। हाँ एक्चुअली क्या होता है कि दो ये लाइन होती है, तो एक जो होती है एक्सप्रेस वाली, तो उसके अंदर 2200 बांट लेते हैं, जिसको थोड़ा स्मूथली जाना है, क्विक जाना है तो उसके अंदर जाए। अगर नॉर्मल में आपको जाना है तो 2000 वाली लाइन अवेलेबल है, आप जा सकते हैं बिल्कुल। लेकिन अभी उसमें एक चीज ये होती है कि जो प्रायोरिटी लाइन है जिसमें आप 200 बाट एक्स्ट्रा दे रहे हो, उसमें आपसे कुछ सवाल जवाब नहीं होते जाते। ओके, देखो डायरेक्ट दे देते आपको, क्योंकि आप भाई 460 रुपया इंडियन करेंसी का एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। जी तो कुछ सवाल जवाब नहीं होते। और मैं सादा लाइन में गया था, क्योंकि भाई मेरे पास डॉक्यूमेंट बरोबर है, हाँ, सब कुछ था, तो फिर ठीक है 15 मिनट लेट होगा ज्यादा से ज्यादा। और क्या, लाइन में 15 मिनट खड़ा रहने का मैं 500 रुपया क्यों एक्स्ट्रा दूं? मैं सादी लाइन में गया, 2000 बाट दिया, उसमें छोटी से छोटी चीज पूछते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मेरा बैंकॉक का बुकिंग था 28 से फर्स्ट में, ओके, फिर मेरा फुकेट का बुकिंग था 3 मई से 6 में, ऐसा कुछ। ओके तो बोलते कि सेकंड में आप कहाँ रुक रहे हो, सेकंड में की बुकिंग बताओ। बोला अरे भाई एक ही दिन का तो है। बोले कि नहीं, जितने दिन का है आपका बुकिंग चाहिए। बोला उस दिन ट्रेन में जाऊंगा, मैं ट्रेन में सोऊंगा ना। जी बैंकॉक तो फुकेट में ट्रेन में जाऊंगा। तो बोलते कि ट्रेन क्यों, फ्लाइट क्यों नहीं? बोला मेरी मर्जी, मेरे को ट्रेन जर्नी अच्छी लगती है। मैं तो जनरली बोलता हूँ कि अगर आप थाईलैंड में आते हो सब कुछ आपको स्मूथली चाहिए, तो जो एज पर रूल है होटल बुकिंग दिखाना ये सब कुछ कंफर्म करके आइए, तो आपको ज्यादा कोई सवाल नहीं होगा। तो वही बात है, इसीलिए मैं सब उसी हिसाब से करके आया। लेकिन एक आधा अगर आप, मेरा एक ऐसा टिकट था रिफंडेबल वाला, क्योंकि मेरे को यहाँ से वियतनाम जाना है, तो मैंने रिफंडेबल ही कराया था, तो अभी मैंने 7 तारीख तक कराया था। तो अगर 28 से 7 तारीख तक सब मैं अगर बता रहा हूँ, सिर्फ एक दिन नहीं बता रहा हूँ, राइट यार उसमें सवाल कर रहे, पहले ऐसे नहीं था। पहले मैं अगर आता था तो 4 दिन 5 दिन के लिए आता था, 2 दिन की बुकिंग बताता था तो कुछ नहीं बोलता। ओके अभी थोड़ा ऐसा हो गया है कि एक एक दिन की भी बुकिंग आपको बतानी पड़ती है। तो प्रतीक भाई, काफी सारे लोग मेरे को पूछते हैं कि अभी जनरल सिचुएशन के बारे में, कि अभी बैंकॉक के अंदर मतलब थाईलैंड के अंदर कैसा माहौल है। तो जैसे अभी आप 5-6 दिन यहाँ पे रुके, तो आपने शॉपिंग किया, नाइट लाइफ एंजॉय किया, आपने इंडियन फूड एंजॉय किया, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे? देखो ऐसा है कि पहले मेरे को ऐसा लग रहा था, इनफैक्ट कोविड के बाद जो मैं कंट्री गया हूँ ना, प्री कोविड लेवल इतना दिखा नहीं था, नॉर्मल दिखा सब कुछ। लेकिन बैंकॉक आते ही मेरे को ऐसा पता चला कि प्री कोविड लेवल यहाँ आ गया है। मतलब जो कोविड के पहले का सिचुएशन था ना, फुल भरा हुआ, खचाखच पार्टियां हो रही है, नाइट लाइफ फुल तगड़ी वाली हो रही है, सारी चीज़ आपको दिख जाएगी। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि फॉरेनर्स की क्राउड ज़्यादा है, इंडियंस की बहुत कम है, बिकॉज मई का महीना अभी स्टार्ट हुआ था और ईज ऑफ ट्रैवलिंग अभी मई से है, फर्स्ट मई से था, अभी काफ़ी इंडियंस आ रहे हैं, अभी ईजी हो जाएगा, तो अभी तो और भीड़ मिलेगी, मतलब पूरा खचाखच। क्योंकि मान लो
कि ईज ऑफ ट्रैवलिंग नहीं था फिर भी इतनी भीड़ थी, तो अभी तो ईज ऑफ ट्रैवलिंग है तो कितनी भीड़ होगी। राइट, अभी हम दो दिन पहले जो खाउसन रोड के अंदर जो हम एक क्लब्स के अंदर जस्ट देखने के लिए गए थे, तो कैसा माहौल था अंदर? फुल खचा, रात के 2-3 बजे तक मतलब फुल था वहाँ पे, फुल था। मतलब कल भी मैं गया था इनफैक्ट थोड़े टाइम के लिए, तो खाउसन रोड तो एकदम पैक, और नाइट लाइफ में मेरे को खाउसन रोड ही अच्छा लगता है बैंकॉक, और वही बेस्ट है एशिया में, वन ऑफ द क्रेजियस्ट स्ट्रीट का दर्जा, काफी फॉरेनर लोग आपको मिलेंगे, बहुत अच्छा है यहाँ पे। शॉपिंग एंड इंडियन फूड के बारे में आप क्या बताना चाहोगे? इंडियन फूड देखो, मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो थोड़ा सा बीइंग अ वेजिटेरियन थोड़ी दिक्कत हो जाती है अदर कंट्रीज में, यू नो। जी 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 जी। तो यहाँ पे कैसा है बैंकॉक में कि बहुत सारे इंडियंस है, यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, ठीक है, तो इंडियन रेस्टोरेंट भी ज्यादा है। तो सुकुमवित जो एरिया है जहाँ पे नाना हो गया, अशोक हो गया, वहाँ पे आपको इंडियन फूड वेजिटेरियन फूड इजिली मिल जाएगा, इजिली है, राइट। वेजिटेरियन प्योर रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएगी जो सिर्फ वेजिटेरियन बनाती है इंडियन रेस्टोरेंट्स, है ना, तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहाँ खाउसन रोड की बात करें, जहाँ पार्टी नाइट लाइफ होती है, वहाँ पे थोड़ा कम है, वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स नहीं है ना के बराबर, वेजिटेरियन फूड आपको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, तो 7-Eleven वगैरह तो हर गली के कोने पे है, जहाँ पे आपको स्नैक्स मिल सकता है, ड्रिंक्स मिल सकता है, जैसे कि हम फ्रूट जूस हो गए, तो फ्रूट्स हो गए, यहाँ पे फ्रूट्स बहुत मिलते हैं गली गली पे, और 7-Eleven तो हर गली में, तो वो दिक्कत नहीं होती, 24 घंटा भी चालू होती है, और फ्रूट तो है 10-10 बात में आपको मिल जाएंगे, तो 50 बात के आप 5 फ्रूट्स आप ले सकते हैं। तो बीइंग अ वेजिटेरियन मैं ये कह सकता हूँ कि सुकुमवित साइड स्टे लो तो अच्छा है। मेरा भी फर्स्ट नाइट सुकुमवित ही था, फिर ये तो हॉस्टल और पार्टी नाइट लाइफ के हिसाब से खाउसान में मैंने स्टे किया। भाई ने किया था 11 होटल, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था 11 होटल, और भाई आए थे SHA+ में, मतलब टेस्ट एंड गो प्रोग्राम के अंदर, तो इनका बड़ा सब कुछ नॉर्मल ही हो गया, नेगेटिव रिपोर्ट आ गया, बाद में भाई पूरा एक्सप्लोर किया 4-5 दिन बैंकॉक, तो इनका मतलब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा बैंकॉक के अंदर। एंड अभी भाई जा रहे, कौन सी अभी नेक्स्ट सिटी में जा रहे हो? अभी फुकेट जा, अभी भाई आज का फ्लाइट है फुकेट का, आपका कौन सा फ्लाइट है? थाई एयरवेज है। एंड ये कहाँ से आपका? ये सुवर्ण भूमि एयरपोर्ट से, सुवर्ण भूमि से इनका फुकेट डायरेक्ट उनका फ्लाइट है। तो उनकी अब बात करते हैं शॉपिंग की, बैंकॉक में शॉपिंग तो पूरी दुनिया में फेमस है, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कॉस्मेटिक खरीदे, मतलब वाइफ के लिए हो गया, फिर सिस्टर्स के लिए हो गया, okay. वो चाइना टाउन में एक सैमसंग मार्केट है, कुछ सैमसंग मार्केट, सैमसंग मार्केट है, आपको तो सब पता ही है, चाइना टाउन के यहाँ पे ये, और बहुत सही है कॉस्मेटिक्स के लिए या फिर गर्ल्स रिलेटेड प्रोडक्ट के लिए, बहुत बेस्ट है। और फिर ऐसे तो प्रतुनम में है मार्केट है, वहाँ पे भी बहुत शॉपिंग होती है। इंदिरा मार्केट जो फेमस था पहले, अभी वो बंद हो चुका है मे बी बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल, लेकिन चतुचक मार्केट है, वीकेंड्स मार्केट है, मतलब बैंकॉक में काफी छोटे बड़े मार्केट है जहाँ पे इजीली आपको अच्छे रेट्स में काफी चीजें आप शॉपिंग कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है गाइस, आज वाला वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं प्रतीक भाई का इंस्टाग्राम आईडी भी मैं आपको नीचे शेयर कर देता हूँ, एंड मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी आपको शेयर कर देता हूँ, तो भाई आप फॉलो कर लेना, जो भी क्वेश्चन है बिल्कुल पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं और एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक बाय बाय, सी यू।